हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं श्रीकांत साहू टेक्निकल क्लास में आपको स्वागत करता हूँ। वेलकम टू टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल। आइए जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। आज एक हमारा स्पेशल थ्योरी क्लास हो रहा है डिफरेंशियल के बारे में। डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल का गियर रेशियो क्या है, डिफरेंशियल का हिस्ट्री क्या है, गियर डिफरेंशियल में कौन सा ऑयल यूज होता है, कौन सा मटेरियल में बना रहता है, कौन सा मटेरियल का स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कैसा है, उसका गियर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैकलैश कैसे एडजस्ट करते हैं, हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं और टाइप ऑफ क्या क्या गियर यूज होता है वो सब हमारे जानेंगे। और डिफरेंशियल कौन सा एंगल में हमारा ट्रांसमिट करता है पावर, ठीक है, ये सब आज हम जानेंगे। आइए जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए और से जितने लोग देख रहे हैं सब शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाक से। तो शुरू करेंगे क्लास आज डिफरेंशियल। अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो आइए उसको जुड़िए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जल्दी से जुड़ जाइए तो क्लास चालू कर देंगे अभी। गुड मॉर्निंग सुग्रह सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज स्पेशल थियोरी क्लास हो रहा है डिफरेंशियल के बारे में। डिफरेंशियल का पूरा टोटल आज बताया जाएगा, ठीक है। क्लास में जुड़े रहिए और आपने दोस्त लोगों के भी शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग कृष्णप्रसाद जी। और बीआरओ का क्लास जो एग्जाम था कैसा रहा, सबका एग्जाम बताइएगा हमें जरूर। एग्जाम कैसा रहा बताइए, जितने भी लोग एग्जाम देने गए थे। वेरी गुड मॉर्निंग विकास कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए चालू करते हैं डिफरेंशियल आज। हाँ, डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंशियल नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंशियल क्या है। डिफरेंशियल ऐसा एक चीज है टू डिफरेंशिएट द पावर ऑफ ऑयल। चक्के के दो पावर को अलग अलग पावर देने के लिए दो साइड में उसको डिफरेंशियल यूज किया जाता है। तो ये है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल में आप देख सकते हैं डिफरेंशियल कहां है। देवाशीष कुमार साहब जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं कि कहां पे यूज होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल एक्चुअली गाड़ी का रियर एक्सल में यूज होता है। कहां यूज होता है? गाड़ी का रियर एक्सल में। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा, गाड़ी का फ्रंट एक्सल में भी यूज होता है। किस टाइम पे? जिस टाइम पे हमारा फोर व्हील ड्राइव यूज होता है। किस टाइम पे? जहां पे हमारा फोर व्हील ड्राइव यूज होता है। तो चलिए हम पहले उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा। हिस्ट्री में क्या है? देखिए हिस्ट्री में बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट, बहुत सारे पारदर्शी हमारा डिफरेंशियल के बारे में बहुत अपना अपना मत दिए हैं। तो उसमें क्या है, देखिए कोई वॉच मेकर थे, ठीक है, कोई हमारा पेपर टेप मशीन भी यूज करते थे, पेपर कटर मशीन भी यूज करते थे, कोई हमारा प्लानरी गियर भी यूज करते थे। बहुत जगह पे इसे डिफरेंशियल यूज हुआ है। देखिए पहले जो शुरू हुआ था वो 100 BC से 70 BC में वो शुरू हुआ था, ठीक है। इसका पहला डिफरेंशियल का यूज जो टर्म जो यूज हुआ था इस टाइम यूज हुआ था। द एटिकेट मैकेनिज्म हैज बीन डेटेड टू दिस पीरियड। ये पीरियड में ये मैकेनिज्म जो है एंटीकिथेरा मैकेनिज्म ये मतलब डिफरेंशियल के बारे में ये डिस्कवर किए हैं। ये डिस्कवर हुआ 1902 में उन्हें सी ब्रेक बाय स्पॉन्ज ड्राइवर्स।
कुछ स्पॉन्ज ड्राइवर के जो स्पॉन्ज ड्राइवर थे उसके वो लोग ने 1902 में चालू किए हैं। एंड मॉडर्न रिसर्चर्स सजेस्ट दैट इट यूज्ड टू डिफरेंशियल गियर टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द इलिप्टिकल पोजीशन ऑफ द सन एंड मून। याद रखिएगा पहले जो वो ये जो स्पॉन्ज ड्राइवर थे वो लोग 1902 में उसको ये किए थे, लेकिन ये 120 से 70 बीसी के बीच में वो चालू हो गया था उसके नाम डिफरेंशियल का नाम। और वो क्या क्यों करते थे, सन एंड मून जो सूरज एंड चांद चंद्रमा और सूरज का वो पोजीशन देखने के लिए वो यूज करते थे ये नाम। ठीक है, मैना राम जी, दिनेश कुमार साहब जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड दस द फेज ऑफ द मून। ठीक है, दो उसके बाद आया 250 AD 250 AD 250 AD में क्या है, एक चाइनीज इंजीनियर थे जिनका नाम था माजून, माजून जिनका नाम था क्रिएट द फर्स्ट वेल डॉक्यूमेंटेड साउथ पॉइंटिंग चैरियट। ठीक है, जो हमारा गियर का डायरेक्शन रहता है डिफरेंशियल में, कौन सा किसमें कैसे मूवमेंट करता है, एक गियर घूमेगा तो दूसरे गियर का पोजिशन कैसे रहता है, वो सब ये किए चाइनीज इंजीनियर माजून ने। उसके बाद आया 1720 में जोसेफ विलियमसन जो कि डिफरेंशियल के यूजेस के बारे में एक घड़ी में, ठीक है, एक घड़ी में उसको इन्वेंट किए थे। घड़ी में डिफरेंशियल का वर्क कैसा रहता है वो 1720 में जोसेफ विलियमसन यूज किए थे। देखिए डिफरेंशियल अभी का यूज में बस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, लेकिन पहले जो यूज हुआ था चांद और सूरज का पोजीशन देखने के लिए, उसके बाद घड़ी में, उसके बाद पेपर मशीन में, पेपर टेप मशीन में ऐसे यूज हुआ है। तो हम पूरा पढ़ते हैं पहले, उसके बाद 1810 में रडल एकरमैन, ये नाम सुनेंगे एकरमैन, जब नाम सुने होंगे रडल एकरमैन ऑफ जर्मनी जो कि जर्मनी के थे, वो इन्वेंट ए फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम ओवर कैरेज। एकरमैन एंगल आप सुने होंगे, स्टीयरिंग सिस्टम स्टीयरिंग ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे आप उस टाइम पे एकरमैन एंगल सुने होंगे। वही एकरमैन एंगल में क्या होता है, वही एकरमैन एंगल में ये डिफरेंशियल का यूज किए थे। ठीक है, कौन थे, रडल एकरमैन। नेक्स्ट 1827 में देखिए ये इसमें मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजन में शुरू हो गया था इसका लगभग काम। 1827 में मॉडर्न ऑटोमेटिक डिफरेंशियल पेटेंटेड बाय वॉच मेकर, देखिए ये भी एक घड़ी मेकर थे जो कि टाइम के वॉच मेकर थे, वो वांसी फोर्स पर 1972 से 1852 उनका जन्म तिथि और उनका डेथ है। तो ऑफ द कंजर्वेटिव नेशनल डोज आर्ट्स मॉडल मेड इन फ्रांस फॉर यूज इन ए स्टीम वैगन, एक स्टीम वैगन में यूज करने के लिए डिफरेंशियल ये रिवाज में करते वो यूज किए थे डिफरेंशियल, किसमें यूज करने के लिए, स्टीम वैगन में। नेक्स्ट उसके बाद आया 1832 में 1832 में 1832 में रिचर्ड रॉबर्ट्स, नाम है उनका रिचर्ड रॉबर्ट्स, वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में वो क्या किए, गियर ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर रोड लोकोमोटिव, रोड लोकोमोटिव के लिए वो डिफरेंशियल यूज किए जिसमें कि गियर कंपनसेशन किए थे। नेक्स्ट 1874 में क्या है, 1874 में एवेलिंग एंड पोर्टर ऑफ रोचेस्टर केंट लिस्ट ए क्रेन लोकोमोटिव इन देयर कैटलॉग फिटेड विद देयर पेटेंट डिफरेंशियल गियर ऑन द रियर एक्सल। देखिए 1874 में 1874 में जो वो लोकोमोटिव में यूज किया गया है और मेन डिफरेंशियल जो है वो रियर एक्सल में यूज किया गया है। नेक्स्ट 1876 में जेम्स स्टेली, ये नाम है जेम्स स्टेली ऑफ कन्वेंट्री इन्वेंट चेन ड्राइव डिफरेंशियल, देखिए ये बाइक के लिए यूज हुआ था, चेन ड्राइव डिफरेंशियल यूज किए थे 1876 में, कौन, जेम्स स्टेली जो कि यूज ऑन बाइसाइकिल, ठीक है, बाइसाइकिल में यूज करने के लिए ये चेन ड्राइव डिफरेंशियल यूज किए थे 1876 में। इन्वेंशन लेटर यूज इन ऑटोमोबाइल्स बाय कार्ल बेंज, कार्ल बेंज में अभी हमारा कभी भी एग्जाम में आएगा तो डिफरेंशियल, विकास कुमार सर इंग्लिश में बोल रहे हैं,
जो समझ में नहीं आ रहा विकास कुमार जी आप बताइए, हम बता देंगे फिर से, ठीक है। तो क्या है, नहीं तो आखिर में हम पूरे बता देंगे पूरे लेटर में, ये क्या है इंग्लिश में हम लिखे हैं, पूरे लास्ट क्लास के अंत में पूरे आपको डिटेल फिर से बता देंगे, ठीक है। तो क्या है, जब हमारा डिफरेंशियल का बात आता है, वो कौन यूज किया था पहले ऑटोमोबाइल में, उस टाइम पे नाम आता है कार्ल बेंज। कार्ल बेंज का नाम आप सुन रहे होंगे, उनका नाम आता है। उसके बाद 1897 1897 में फर्स्ट यूज ऑफ डिफरेंशियल वन ऑस्ट्रेलियन स्टीम कार। ऑस्ट्रेलिया में जो एक स्टीम कार यूज हुआ था, पहला जो बना था स्टीम कार, उसमें फर्स्ट डिफरेंशियल यूज हुआ था, पहली बार ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल यूज हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा वो कौन किया था, डेविड सेरेट। डेविड सेरेट का साइंटिस्ट थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो एक स्टीम कार बना था, पहला उसमें पहला डिफरेंशियल उसमें लगाया गया था और चला के टेस्ट किया गया था उसके बाद, और वो सक्सेस भी हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद आया 1958 काफी बाद में 1958 में क्या है, बेर्नन ग्लासमैन पेटेंट्स द टॉर्शन डुअल ड्राइव डिफरेंशियल। हाँ, एक है टॉर्शन डुअल ड्राइव डिफरेंशियल, वो क्या है बाद में बताएंगे हम। उसमें वो यूज किए थे, उसके बाद एक टाइप ऑफ लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल दैट रिलाइज सोली ऑन द एक्शन ऑफ गियरिंग इंस्टेड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लचेस एंड गियर। क्लच और गियर को का जो कॉम्बिनेशन करते हैं उसमें 1958 में टॉर्शन डुअल डिफरेंशियल यूज हुआ था। ये है हमारा हिस्ट्री, लेकिन हमारा जो नाम आता है कि डिफरेंशियल में कौन ये किए थे, तो उसका नाम हमारा आता है कि कार्ल बेंज का नाम, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं है कि ये हम नहीं बता सकते कि हाँ ये ही पहले किए थे या वो एक बात में कर पहले किए थे। वो क्या है, बहुत सदियों से चला आता है, आया है कि पहले सूरज और चांद का पोजीशन देखने के लिए, उसके बाद घड़ी भी यूज होता था, पेपर टेप रीडर। अभी हम दिखाएंगे कुछ इमेज है हमारे पास जो कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे वो यूज होता है दूसरे दूसरे ये में। तो आइए डिफरेंशियल जानते हैं। डिफरेंशियल में क्या क्या पार्ट्स है, डिफरेंशियल में क्या क्या पार्ट्स है, वो कैसे यूज होता है, वो सब बताएंगे, ठीक है। तो ये जो ये है देखिए डिफरेंशियल, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में देखिए बहुत सारा पार्ट है इसमें, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये और ये और ये, बहुत सारा पार्ट। जैसे देखिए, जैसे हमारे गाड़ी का पावर आया, गाड़ी का पावर आ रहा है, किसमें किसमें आएगा, इधर आएगा, इसको कहते हैं टेल पिनियन, ठीक है, टेल पिनियन कहते हैं। और ये जो आता है इसमें आता है, ये शाफ्ट है जो कि प्रोपेलर शाफ्ट से हमारा आता है। देखिए टेल पिनियन शाफ्ट, ये है 7 नंबर दे दीजिए, ठीक है, एक मिनट, ऊपर नंबर दिया हुआ, हाँ ये देखिए, ये 7 नंबर हमारा क्या है, टेल पिनियन शाफ्ट। ये देखिए ये दोनों है जो पावर ट्रांसमिट करता है, किसमें, चक्के में जो पावर ट्रांसमिट करता है, जो चक्के में पावर ट्रांसमिट करता है ये रहता है एक्सल शाफ्ट। हाँ, ये एक्सल शाफ्ट फुल्ली नहीं रहता है, ये हाफ एक्सल शाफ्ट रहता है, याद रखिएगा। डिफरेंशियल में जो यूज होता है वो हाफ एक्सल शाफ्ट होता है, जैसे कि हमारा बुल कट हो गया, जैसे बैलगाड़ी हो गया, बैलगाड़ी में क्या होता है, उसमें भी एक एक्सल रहता है, ठीक है, जो पीछे वाला चक्का रहता है, एक रोड रहता है, वो भी एक टाइप का एक्सल है, लेकिन उसमें क्या है, वो डिफरेंशियल नहीं है, वो बस रियर एक्सल है। उसमें डिफरेंशियल अगर लगाया जाए तो उसमें क्या हो सकता है, देखिएगा आप जब बैलगाड़ी चलता है, आप जैसे वो टर्निंग लेता है तो एक चक्का घसीट के ले जाता है, ठीक है, लेकिन जब डिफरेंशियल लगता है तो दो चक्के का जो ये रहता है, पावर रहता है, लोड रहता है, वो अलग अलग करके दोनों को स्मूथ चलाने के लिए, जबकि इसमें इनर व्हील के अपेक्षा आउटर व्हील ज्यादा तेजी से घूमेगा टर्न में, ठीक है। तो पहले पार्ट जान लेते हैं, इसमें सवाल नहीं आ रहा अच्छे से, तो दूसरा ड्राइंग दिखा देंगे हम, ठीक है, तो हम बता दें बस उसका क्या है। ये देखिए ये क्राउन व्हील है, ये टेल पिनियन है,
ठीक है, ये उसके बाद सन पिनियन है दो साइड और बाकी चार स्टार पिनियन है। ठीक है, इस टाइप में बहुत सारा है हमारा एक्सल शाफ्ट, क्रैनियल, सन गियर, स्टार पिनियन, डिफरेंशियल केज और बिगल पिनियन। ये देखिए, जब हमारा डिफरेंशियल को खोलेंगे, डिफरेंशियल को जब डिवाइड करेंगे, उसको रीअसेंबल करेंगे या फिर उसको तोड़ेंगे, तो उसमें क्या क्या निकलेगा, देखिए पूरा ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल के अंदर ये जो है, ये एक नंबर जो देखिए, इसको कहते हैं केज। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं केज, CAGE, केज। डिफरेंशियल केज कहते हैं, और डिफरेंशियल हाउसिंग। नेक्स्ट, उसमें लगा रहता है, ये क्या है, टेपर रोलर बेयरिंग लगा रहता है, उसमें दोनों साइड में गियर को स्मूथ में यूज करने के लिए याद रखिएगा टेपर रोलर बेयरिंग यूज होता है। टेपर रोलर बेयरिंग किस जगह पे यूज होता है, हम आपको बताए थे कहाँ पे यूज होता है, जहां पे हमारा लोड, एक्सियल लोड जहां पे ज्यादा होता है, उस टाइम पे हमारा टेपर रोलर बेयरिंग यूज होता है। ठीक है, तो ये टेपर रोलर बेयरिंग यूज होता है। नेक्स्ट, उसके बाद आइएगा, ये देखिए, ये वाशर है। ठीक है, ये वाशर ज्यादातर ब्रास का रहता है, याद रखिएगा ब्रास का रहता है, ये वाशर है जो कि ब्रास का रहता है। ये किसमें रहता है, ये वाशर रहता है सन गियर में, किसमें, सन गियर में। ये देखिए, ये है सन गियर, और ये दो साइड रहता है क्योंकि दो हाफ एक्सल शाफ्ट लगता है, इसलिए दो साइड रहता है। ये देखिए, एक ये वाशर और ये सन पिनियन और सन गियर, और इधर भी देखिए, ये सन गियर है, ये सन गियर है, और ये क्या है, वाशर है। ठीक है, ये वाशर ज्यादातर ब्रास का, पीतल का रहता है, पीतल का। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आता है ये देखिए, इसको कहते हैं क्रॉस जॉइंट या क्रॉस शाफ्ट कहते हैं। इसमें जो रहता है, चार स्टार पिनियन यूज होता है। क्या होता है, चार स्टार पिनियन, एक स्टार पिनियन, दो स्टार पिनियन, तीसरा स्टार पिनियन, चार स्टार पिनियन, जो चार स्टार पिनियन ये सन गियर में एंगेज होके रहता है। ये डिफरेंशियल जब खुलता है ना, उसके बाद होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये देखिए, एक ये छोटा सा एक वाशर दिखाया गया है, एक वाशर ये चारों साइड में लगता है, ये गियर में और गियर में, चारों पिनियन में एक एक वाशर लगता है। वो वाशर किस काम का है, वो वाशर अपना जो केज में जब हमारा गियर बैठता है, उस टाइम पे उसका प्ले ज्यादा ना हो, उसका बेक्लास ज्यादा ना हो, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, उसके बाद ये बोल्ट है, जो कि ये केज में, ये है केज में दो पार्ट है। ठीक है, ये केज है, ये केज है, ये केज जब असेंबली होता है उसके अंदर इतने सारे पार्ट रहते हैं। ठीक है, लास्ट में भी देखिए, एक टेपर रोलर बेयरिंग यूज होता है। तो ये है हमारा गियर का जो हमारा सॉरी डिफरेंशियल में जो पार्ट रहता है वो सब। उसके बाद आता है ये भी एक डिफरेंशियल है जो कि हेवी गियर में, हेवी गाड़ी में यूज होता है, बहुत हेवी वर्क के लिए यूज होता है। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है, पहले डिफरेंशियल का ये ड्रॉइंग दिखाया था, ये डिफरेंशियल का ड्रॉइंग दिखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट, वो काम कैसे करता है, हाउ डज द डिफरेंशियल वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखिए, समझे ड्रॉइंग का चित्र समझे पहले, हाँ दोनों ड्रॉइंग एक साथ रहें दो। ये देखिए, ए ड्रॉइंग में क्या होता है, देखिए, ये है हमारा क्राउनल। ठीक है, ये है हमारा क्राउनल, जब क्राउनल रोटेट हो रहा है, देखिए कैसे रोटेट हो रहा है, उस डायरेक्शन में, मतलब जैसे सीधा डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, उस टाइम पे देखिए, ये जो एक्सल शाफ्ट है, ये जो एक्सल शाफ्ट है, वो भी सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, तो उस टाइम पे देखिए, ये जितना भी है, ये दोनों फिक्स हो जाता है, और ये जो है, ये गियर जो है हमारा प्लांटरी गियर या सन स्टार गियर कह सकते हैं, वो आपस में मूवमेंट होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये सीधा डायरेक्शन में, ये अभी ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, ये अभी ट्रेन डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे उतना मूवमेंट हमारा पता नहीं, कुछ काम नहीं है, नगण्य है कह सकते हैं इसमें। ठीक है, बस ये रिजिड एक्सल है। लेकिन जिस टाइम पे हमारा कुछ एंगल क्रिएट होता है रास्ता में, कुछ एंगल क्रिएट होता है, या राइट लेते हैं या लेफ्ट होता है, या कुछ एंगल क्रिएट होता है, उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे
अब देखिए ये क्या है। हाँ इस टाइम पे देखिए एक पूरा घूम रहा है और एक थोड़ा सा कम घूम रहा है। देख सकते हैं आप ड्रॉइंग में पता चला कि एक पूरा घूम एक ज्यादा घूम रहा है एक थोड़ा सा कम घूम रहा है। इसका मतलब अभी ये जो अंदर हमारा है ये अंदर जो है केज में वो सन भी नेम स्टार भी नेम वो आपस में काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं नेक्स्ट बताते हैं आपको नेक्स्ट पे। हाँ ड्रॉइंग थोड़ा आगे पीछे हो गया है। हाँ ये बता दे हाउसिंग और केज देखिए जो ये एक्सेल एक्सेल शार्ट रहता है एक एक्सेल शार्ट रहता है बड़ा वाला तो एक्सेल शार्ट के अंदर जो रहता है वो एक्सेल शार्ट में एक हाउसिंग रहता है जहाँ की पूरा डिफरेंशियल का सेट वो बैठता है उसको एक्सेल हाउसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं एक्सेल हाउसिंग। और ये जो है जहां पे हमारा प्लानिटरी गियर और सन गियर ये सब बैठता है उसको कहते हैं हमारा डिफरेंशियल हाउसिंग और डिफरेंशियल केज केज डिफरेंशियल केज या देखिएगा डिफरेंशियल केज और क्या है एक्सेल हाउसिंग। इसके बाद थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा इसमें अलग रहता है इसमें अलग रहता है ठीक है। नेक्स्ट ना ये वही एक्सेल हाउसिंग का जो पूरा पास से व्यू है। और हाँ इसमें क्या होता है एक साइड से वोल्टेड होता है और ये दूसरे साइड जो ओपन है इस साइड से उसका बैक कवर लगता है एक्सेल का ठीक है जहां से तेल टॉप अप करते हैं ऑयल टॉप अप करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। नेक्स्ट हाँ ये देखिए हम ड्रॉइंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है हम आते हैं वर्क के ऊपर आते हैं ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा ये है प्रोपेलर शाफ्ट से जो पावर आता है इंजन से जो प्रोपेलर शाफ्ट से पावर आता है वो इसमें आता है ठीक है। जब ये पावर आया इसमें लगा रहता है टेल पिनियन। ये देखिए ये टेल पिनियन क्या क्या करता है क्राउन व्हील को घुमाता है। क्राउन व्हील क्या करता है क्राउन व्हील में केज बंधा रहता है वो केज के अंदर ये सन पिनियन और स्टार पिनियन यूज होता है ठीक है। इसमें बहुत सारा हमारा एडजस्टमेंट है जैसे कि हाइट एडजस्टमेंट रहता है उसमें बेकलास एडजस्टमेंट रहता है बेकलास टेल पिनियन और क्राउन व्हील का रहता है बेकलास सन जो स्टार पिनियन है स्टार पिनियन से स्टार पिनियन के बीच में बेकलास रहता है वो पूरा बताएंगे अभी ठीक है। ये देखिए ये एक्सेल हाउसिंग है जो आप बताए थे ठीक है। उसके बाद एक्सेल शाफ्ट है स्लाइडिंग गियर है ये सब है। ये हम एक डिफरेंशियल खोले थे उसका फोटो है ठीक है। नेक्स्ट हाँ देखिए डिफरेंशियल वर्क जो बोल रहे थे अभी आते हैं। ये देखिए ये दो चक्का हो गया दो चक्के में एक्सल शाफ्ट हो गया ये शाफ्ट है एक्सल शाफ्ट ठीक है। एक्सल शाफ्ट है ये एक्सल शाफ्ट में ये दो लिखा है देखिए ये कलर है ग्रीन कलर और रेड कलर ये दोनों जो है सन पिनियन क्या है सन पिनियन है और ये ऊपर जो है ये है स्टार पिनियन। स्टार पिनियन चार रहता है लेकिन ये ड्रॉइंग में आप समझ नहीं पाओगे इसलिए एक दिखाएं ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए ये मोटर लगाया गया है मान लीजिए कि इंजन से पावर आ रहा है ठीक है। इंजन से जब पावर आ रहा है तो देखिए ये टेल पिनियन को घुमा रहा है टेल पिनियन को घुमा रहा है। जब टेल पिनियन घुमा रहा है टेल पिनियन किसे कहते देखिए ये क्राउन व्हील से कहते। तो क्राउन व्हील में मेन क्या है केज। ये देखिए ये केज है केज में ये चारों बंधा रहता है ये छह गियर बंधा रहता है दो सन गियर और चार स्टार गियर ठीक है। तो जैसे इसका मूवमेंट आता है ठीक है जैसे ही इसका मूवमेंट आता है हाँ देखिए ये याद रखिएगा जब हमारा प्रोपेलर शाफ्ट या टेल पिनियन जब क्लॉकवाइज घूमेगा उस टाइम पे हमारा एक्सल जो रहता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करता है मतलब आगे तरफ जाता है। और जिस टाइम पे हमारा एक जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उस टाइम पे हमारा एक्सल जो रहता है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमता आता है ठीक है। ये याद रखिएगा दोनों टाइम एक आगे एक पीछे। नेक्स्ट हाँ ये मैं आगे ये देखिए डिफरेंशियल वर्क ठीक है। ये देखिए केज है इसमें स्टार पिनियन है
तो इसमें देखिए, जब हमारा गाड़ी टर्न ले रहा है, अभी गाड़ी टर्न ले रहा है, तो उस टाइम पे कौन सा टर्न ले रहा है? ये राइट में टर्न ले रहा है। ठीक है, जब राइट में टर्न ले रहा है तो हमारा जो लोड किस में पड़ेगा? ये राइट राइट का एक्सल शाफ्ट, ये एक्सल शाफ्ट में राइट का लोड पड़ेगा। जब इसमें लोड पड़ेगा, जब इसमें लोड पड़ेगा उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ये जो संपीड़न है वो थोड़ा सा स्मूथ घूमेगा। क्यों क्यों स्मूथ घूमेगा? क्योंकि इसमें चारों में जो रहता है, इसमें जो चारों में पावर रहता है वो क्या है, आपस में बहुत फ्री रहते हैं। जो जो एक पावर आता है वो इस सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पावर जो आता है वो इस सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग होता है, उस टाइम पे क्या होता है, इसमें लोड पड़ गया, इसमें लोड पड़ गया, तो ये क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली तेजी से घूमेगा। कैसे घूमेगा? थ्रू सन पिनियन। सन पिनियन के बल पर, अमरेशपाल जी वेरी गुड मॉर्निंग। सन पिनियन जो रहता है, सन पिनियन स्टार पिनियन के थ्रू घूमता है। ठीक है, स्टार पिनियन उसको तेजी से घुमाने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा इनर व्हील जो है, इनर व्हील जो है आउटर व्हील से कम घूमता है, कम घूमता है, ये आउटर व्हील ज्यादा घूमता है। ठीक है, ये है नेक्स्ट डिफरेंशियल यूज इन डिफरेंट वायर। अलग अलग जगह पे जो हमारा डिफरेंशियल यूज होता है, ये है, ये है देखिए पेपर टेप रीडर मशीन। ठीक है, पेपर टेप रीडर मशीन ये है, इसमें भी देखिए एक डिफरेंशियल ये यूज हो रहा है, ये एक टाइप का डिफरेंशियल है। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज होता है, इसमें जब हमारा पेपर रोलिंग होता रहता है, ठीक है, जब पेपर रोलिंग होता रहता है, जब तक ये ब्रेक को हम, ये पुली को हम ब्रेक ना लगा दे तब तक ये पेपर रोल होता रहेगा। लेकिन क्या है, ये हमेशा घूमता रहता है, ये इसमें मशीन में जो है ये हमेशा घूमता रहता है। लेकिन हमारा पेपर रोलर मशीन एक बार स्टार्ट करे तो बंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें कहीं पर स्टॉप करना पड़े, उस टाइम पे हम ये रोलर को दबा देते हैं, मतलब स्टॉप कर देते हैं। जैसे ही पुली को स्टॉप कर देते हैं, ये हमारा एक साइड का जो संपीड़न है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन डिफरेंशियल है, इसीलिए क्या होता है, दूसरा जो है संपीड़न वो घूमता रहता है, मतलब वो जो पावर आता है, जहां से भी पावर दिया जाता है इसको डिफरेंशियल को, वो डिफरेंशियल का पावर बराबर आता है, लेकिन यहाँ पे जो वाट होता है वो वाट नहीं होता, वाट नहीं हो पाता, तो इस टाइम पे डिफरेंशियल अच्छे से काम करता है और हमारा मशीन भी बंद नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल यूज इन कंट्रोल द टेक अप रील ऑफ पेपर टेप रीडर मेड बाय टाली क्रीका 1962 1962 में ये बनाया गया था। द बीवेल गियर स्पिन फ्रीली ऑन देयर शाफ्ट, जो बीवेल पिनियन है, ये जो बीवेल पिनियन है ये अपने शाफ्ट में फ्रीली घूम सकते हैं, अनलेस इट ब्रेक्स टू स्टॉप द लेफ्ट गियर। ठीक है, जब तक ये गियर को वो ब्रेक ना लगा दे तब तक वो घूमता रहता है। ठीक है, दिस कॉल द प्लैनेट गियर टू ड्राइव द आउटपुट शाफ्ट एट द हाफ द स्पीड ऑफ द ड्रिवन गियर ऑन द राइट। ठीक है, यह है पेपर टेप रीडर मशीन का काम। ठीक है, इसमें भी डिफरेंशियल यूज होता है, और एक डिफरेंशियल भी यूज होता है, कहां पे? प्लैनेटरी गियर में। देखिए इसमें भी देखिए, ये एक डिफरेंशियल गियर, ये प्लैनेटरी गियर है, इसमें भी डिफरेंशियल यूज होता है। प्लैनेटरी डिफरेंशियल यूज टू ड्राइव ए चार्ट रिकॉर्डर, चार्ट रिकॉर्डर भी यूज होता है। ये 1961 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। द मोटर ड्राइव द सन एंड एंगुलर गियर, सन गियर ठीक है, और सन गियर और एंगुलर गियर में वो ड्राइव करता है। व्हाइल द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द प्लैनेट गियर कैरियर, दिस गिव थ्री डिफरेंट स्पीड ऑन व्हिच मोटर आर ऑन, कौन सा गियर रहते हैं और कौन सा मोटर कब चालू होता है उसमें इसका स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट नेट में योर कनेक्शन इज इनस्टेबल, प्लीज वेट व्हाइल वी ट्राई टू रीकनेक्ट यू। हमारे मोबाइल की काटन इसी लेते हैं, कनेक्शन हो रहा है।
देखिए गाड़ी जब सीधा चल रहा है, गाड़ी जब सीधा चल रहा है हमारा, उस टाइम पे देखिए जो समझ रहे नहीं आ रहा, विकास कुमार जी देखिए समझिए अच्छे से कैसे काम करता है। ये देखिए ये सिंपल डिफरेंशियल का एक ड्राइंग ला रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये क्राउन व्हील है, ठीक है। अभी गाड़ी ट्रेड चल रहा है, जिस टाइम पे हमारा गाड़ी ट्रेड चलता है, मान लीजिए कि ये क्राउन बस घूमता है, जैसे क्राउन घूमता है उसमें एक्सल शाफ्ट लगा रहता है, एक्सल शाफ्ट घूमता है, देखिए ये सेम रोटेशन है, और उस टाइम पे यहाँ का जो मूवमेंट है वो नहीं होता है, समझ गए। एक बार क्लियर करिए, इसका मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि ये क्राउन व्हील में केज बंधा रहता है, ठीक है। जब क्राउन व्हील घूमता है तो ये केज एक साथ घूमता है, केज एक साथ घूमेगा तो उसमें एक्सल शाफ्ट रहता है, वो भी एक साथ घूमता है। देखिए इनपुट टॉर्क इज अप्लाइड टू द रिंग गियर, ठीक है, ये ब्लू गियर में हमारा इनपुट आ गया, ठीक है। द केरी इज कनेक्टेड टू बोथ सन गियर, ये बोथ सन गियर, एक सन गियर दो सन गियर, एक रेड एंड येलो, ओनली थ्रू द प्लैनेट गियर ग्रीन, एक गियर के थ्रू, ये दो गियर के थ्रू ये दोनों काम कर रहा है, ठीक है। टर्क इज ट्रांसमिटेड टू द सन गियर थ्रू द प्लैनेट गियर, द प्लैनेट गियर रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सिस ऑफ द कैरियर, ये जो कैरियर है, ये कैरियर है या केज कह सकते हैं इसको, इसका अराउंड में घूमता है, ड्राइविंग द सन गियर्स इफ द रेजिस्टेंस एट बोथ व्हील्स इज इक्वल, दो चक्के का अगर पावर सेम होता है, दो चक्के का पावर अगर सेम होता है तो विदाउट स्पिनिंग अबाउट एन ऑन एक्सिस एंड बोथ व्हील्स टर्न एट द सेम रेट, ठीक है। दोनों चक्का अगर सेम घूम रहा है तो ये जो क्राउन व्हील है वो अपना काम करेगा, और ये जो स्टार पिनियन है, ये जो स्टार पिनियन है उसमें एक्सल शाफ्ट रहता है, उस टाइम पे यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, ये देखिए अभी टर्निंग हो रहा है, एक गाड़ी टर्न ले रहा है। नितिन विश्वराज जी वेरी गुड मॉर्निंग, अमरेशवाल सर वॉइस, नितिन विश्वराज जी गुड मॉर्निंग, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा क्या मेरा, वॉइस कट रहा है, अभी अभी सही आ रहा है वॉइस, नहीं आ रहा। अरे वो इंटरनेट कनेक्शन वाले को आप फोन करना, तो ठीक सर वीडियो भी जूम हो रहा है, वीडियो जूम हो रहा है, हम तो जूम नहीं कर रहे, देखिए जब हमारा गाड़ी टर्निंग ले रहा है, गाड़ी टर्निंग ले रहा है उस टाइम पे देखिए हमारा पावर किस में आ रहा है, पावर आ रहा है क्राउन व्हील पे, क्राउन व्हील में क्या है केज बंधा हुआ है, ठीक है। जब केज बंधा हुआ है मान लीजिए ये राइट टर्न ले, अभी देखिए ये राइट साइड है, इस साइड हमारा गाड़ी टर्न ले रहा है, ठीक है। ये देखिए इफ द लेफ्ट सन गियर रेड इनकाउंटर रेजिस्टेंस, इनकाउंटर रेजिस्टेंस मतलब इसमें हमारा लोड आ रहा है, ये जो हमारा गियर है इसमें लोड आ रहा है हमारा, जब ये हमारा लोड आ रहा है उस टाइम पे द प्लैनेट गियर ग्रीन स्मील एज वेल एज रिवॉल्विंग, ये बहुत तेजी से घूमेगा और क्या करेगा, ये जो सन गियर है, ये जो सन गियर है इसको पूरा घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसको पूरा घुमाने की कोशिश करेगा। जब इसको पूरा घुमाने की कोशिश करेगा उस टाइम पे हमारा ये एक्सल शाफ्ट तेजी से घूमेगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा इसमें थोड़ा सा लोड कम हो जाता है, जिसमें जैसे ही ये एक्सल शाफ्ट में हमारा थोड़ा सा लोड कम हो जाता है उस टाइम पे ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए ये ड्रॉइंग में आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए ये ड्रॉइंग लेके आए हैं दोनों। ये देखिए गाड़ी सीधा जा रही है और ये देखिए गाड़ी अभी टर्निंग हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब आते हैं गियर रेशियो की तरफ। गियर रेशियो क्या है,
गियर रेशियो होने से क्या अपना फायदा है, ठीक है वो सब। गियर रेशियो जानने से पहले बता दे कि आपको अगर एग्जाम में आएगा कि डिफरेंशियल का जो गियर रहता है वो कैसे किस चीज का बना रहता है, कैसा रहता है गियर, तो उस टाइम पे आपका अगर ऑप्शन बिवेल गियर नहीं रहेगा उस टाइम पे आप लिखिएगा हाई पेड गियर, ठीक है हाई पेड गियर करिएगा। तो और एक चीज है, और एक चीज है क्या है, यही एक गियर है जो कि बिवेल पिनियन है जो कि 90 डिग्री एंगल में पावर ट्रांसमिट करता है, किसमें पावर ट्रांसमिट करता है 90 डिग्री एंगल पे। अब आते हैं गियर रेशियो की तरफ, अभी आप दोनों ड्रॉइंग देख सकते हैं, इसमें जो गियर टीथ है टेल पिनियन में वो कम है और इसमें जो है वो देख सकते हैं कुछ इसमें कम है और इसमें देख सकते हैं कुछ ज्यादा है, ठीक है। अभी याद रखिएगा अगर गियर रेशियो, ठीक है अगर गियर रेशियो कम है तो क्या होगा, अगर गियर रेशियो ज्यादा हो तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए ड्रॉइंग छोटा होगा नहीं होगा, मान लीजिए ये गियर का है 3.73 गियर रेशियो और इसका मान लीजिए 4.10 गियर रेशियो, मान लीजिए ठीक है करेक्ट नहीं बता सकते मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है अभी गियर रेशियो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, पहले गियर रेशियो कैसे कैलकुलेशन करते हैं बता देते हैं। देखो टीथ ऑफ ड्राइविंग गियर, ठीक है ड्राइविंग गियर कौन सा है ये टीथ ऑफ ड्राइविंग गियर जितना होता है डिवाइडेड बाय ड्रिवन गियर, ठीक है डिवाइडेड बाय टीथ ऑफ ड्रिवन गियर, नहीं विकास कुमार जी गियर नहीं टूटेगा आप समझिए बात, ठीक है ये अभी बात हो रहा है गियर रेशियो के बारे में, गियर रेशियो ज्यादा हो तो क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें देखिए, ठीक है ये क्या होता है टीथ ऑफ ड्रिवन गियर बाय टीथ ऑफ टीथ ऑफ ड्राइविंग गियर डिवाइडेड बाय टीथ ऑफ ड्रिवन गियर, ये गियर रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है मान लीजिए इसका है गियर रेशियो 3.73 इसका है गियर रेशियो 4.10 तो उसमें क्या होगा, ये 3.73 है इसमें क्या होगा टॉर्क घटेगा, ये लो टॉर्क, ठीक है किसमें कम गियर रेशियो में, जिसका गियर रेशियो कम होगा उसका टॉर्क घट जाएगा, लेकिन जिसका गियर रेशियो ज्यादा है मान लीजिए इसका 4.10 3.73 से ज्यादा है तो इसका टॉर्क क्या होगा घटेगा हाई टॉर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाई टॉर्क हो जाएगा, लेकिन लेकिन स्पीड की बात करते हैं, अगर स्पीड की बात करेंगे तो ये हाई टॉप स्पीड, इसका जो टॉप स्पीड रहेगा ये हाई रहता है, ये हाई टॉप स्पीड रहता है, जबकि इसका जो टॉप स्पीड रहता है वो कम रहता है, थोड़ा क्या कह रहता है कम स्पीड रहता है, ये लो टॉप स्पीड, याद रखिएगा गियर रेशियो जब भी डिपेंड करता है गियर टूटेगा नहीं, ठीक है और ये अगर हमारा कोई दूसरा गियर की बात हो जाए उस टाइम पे गियर रेशियो का बात होता है उस टाइम पे अगर कम गियर रेशियो हो जाएगा, डिफरेंशियल का बात नहीं कर रहे हैं कोई और बता रहे हैं कोई और टाइम पे जहां पे गियर यूज होता है जो गियर मेस होता है वो गियर रेशियो अगर यूज करते हैं तो उसमें अगर कम गियर रेशियो में क्या होता है जो हमारा माइलेज रहता है वो ज्यादा रहता है और जो हमारा हाई गियर रेशियो रहता है उसमें हमारा माइलेज कम हो जाता है, कहां पे विकास कुमार जी क्या सवाल नहीं आ रहा थी बताइए, हम कंफ्यूज हैं। देखिए गियर रेशियो किसे बता देते हैं, तो मान लीजिए क्राउन जो है मान लीजिए क्राउन पिनियन जो है इसका टीथ का नंबर है मान लीजिए 37, ठीक है उसके बाद टेल पिनियन आता है, टेल पिनियन का जो टीथ रहता है वो मान लीजिए
9 है, ठीक है 9 है मान लीजिए, ठीक है। तो अभी गियर रेशियो, गियर रेशियो कैलकुलेशन करेंगे जब 67 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 36 4.11:1, ठीक है। मतलब एक बार अगर हमारा क्राउन व्हील घूमेगा तो टेल पिन जो है हमारा 4.11 बार गिरेगा घूमेगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये है हमारा गियर रेशियो। गियर रेशियो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अभी आ गया गियर रेशियो में, अगर कम गियर रेशियो हुए, ये है 4.11 मान लीजिए, एक है इसको मान लीजिए ये 45 ले लेंगे, ये 37 ही रहेगा, 45 ले लेंगे, ठीक है डिवाइडेड बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5:1 हो जाएगा। तो इस टाइम पे देखिए 5:1 ज्यादा है और 4.11:1 कम है। देव पटेल जी आपका व्हाट्सएप नंबर हम नहीं जोड़ पाए थे, अभी जोड़ देते हैं, थोड़ा सा व्यस्त थे इसीलिए नहीं जोड़ पाए थे, ठीक है अभी जोड़ देंगे थोड़ी एक क्लास के बाद। तो क्या है देखिए, अभी दो टाइप का है, एक गियर रेशियो 5 है, एक गियर रेशियो 4.11:1 है। मतलब इसमें ये लो गियर रेशियो है, वो हाई गियर रेशियो। अभी हमारा क्राउन व्हील में देखा जाए, क्राउन व्हील टेल पिनियन के डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल में क्या होता है, अगर हमारा गियर रेशियो कम होगा तो हमारा टॉर्क कम होगा, अगर हमारा गियर रेशियो कम होगा तो याद रखिएगा टॉर्क कम होगा, लेकिन टॉर्क अगर कम होगा तो जो टॉप स्पीड रहता है वो ज्यादा होगा, हमारा स्पीड जो रहता है वो ज्यादा होगा, लेकिन लेकिन अगर हमारा गियर रेशियो ज्यादा है तो हमारा टॉर्क उस टाइम पे क्या होगा ज्यादा होगा, लेकिन स्पीड जो है वो घट जाएगा। अभी क्लियर है, क्लियर है बताइए। ओके नेक्स्ट हमारा मेटेरियल, मेटेरियल में आता है, मेटेरियल कैसे कैसे बनता है, बहुत टाइप का मेटेरियल में हमारा क्राउन एंड टेल पिनियन बनता है, जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन, स्ट्रक्चरल स्टील, टिटानियम अलॉय एंड पॉलीथिलीन, ये चार टाइप का मटेरियल में हमारा क्राउन व्हील एंड टेल पिनियन गियर सब बनता है, ठीक है। लेकिन उसको अगर बेस करें तो देखिए उसका डेंसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस, ये सब उसमें देखा जाता है, वो सब किसमें, ये ग्रे कास्ट आयरन में कितना है, स्ट्रक्चरल स्टील में कितना है, टिटानियम अलॉय में, पॉलीथिलीन में, ये सब देखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो टेंशन स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कितना है, वो सब देखा जाता है, पिनियन का कितना रहना चाहिए, क्राउन गियर का कितना रहना चाहिए, ये जो एमपीए, एमपीए मतलब मेगा पास्कल, मेगा पास्कल का आप जानते हैं वन, देखिए आप बार का नाम सुने होंगे कि बार, बार एक नाम सुने होंगे बार, 1 bar = 0.1 megapascal, ठीक है याद रखिएगा, मतलब 10 bar = 1 megapixel होगा, अगर ये 10 बार हो रहा है तो ये 1 megapascal होगा, ठीक है ये कर, ठीक है ये कंफर्म है। नेक्स्ट अभी देखिए इसका, तो इसका जब चेक करते हैं हम, जब भी हमारा क्राउन एंड टेल पिनियन बनाते हैं उसमें ये सारे चीज ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये चारों चीज में हमारा बनाया जाता है, लेकिन ये चारों को अगर हम कंपेयर किया जाए, ये चारों को अगर हमारा कंपेयर किया जाए उस टाइम पे हमारा सबसे अच्छा और स्वीटेबल और स्ट्रॉन्गेस्ट, ये अगर कुछ आएगा तो हमारा आएगा ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन जो है ज्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है इसीलिए ज्यादातर हमारा ग्रे कास्ट आयरन यूज किया जाता है किसमें, गियर बनाने में, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब वो जो ये जो एनालिसिस किए हैं
इसमें से जो निकला है यही है हमारा पूरा टॉप पार्ट। ठीक है, एक में क्या है, द पावर ट्रांसमिशन इन ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिक व्हीकल्स थ्रू डिफरेंशियल हैव बीन अंडरस्टूड सक्सेसफुली। The present study included the design and analysis of prominent gear pinion assembly by selecting various material, drew following concluding remarks. जो हमारा चारों टाइप का बताया थे, ग्रे कास्ट आयरन हो गया, टिटानियम एलॉय हो गया, और क्या था, एल्यूमिनियम हो गया, स्ट्रक्चरल एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद पॉलीथिलीन हो गया, ये चारों को देख के इतना हमारा कंक्लूजन निकला है। दूसरा है द असेंबली ऑफ क्राउन गियर एंड पिनियन have been designed in 30A and analyzed in 15.0 software by selecting various material. ये सब B level का सब पढ़ना की जरूरत है, ये हमारे काम में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये चारों में से जो हमारा आया है वो ज्यादा हमारा क्या होता है, ये जो ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन हमारा मेन हो जाता है। हाँ, अभी हम दो चीज और नहीं बताया, क्या है जो हमारा ऑयल, ऑयल क्या यूज होता है डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल में जो हमारा ऑयल यूज होता है वो अभी इंजन में आप जानते हैं एक ग्रेड ऑयल यूज होता है, ऐसे ही जैसे हमारा इंजन में एक ऑयल ग्रेड यूज होता है वैसे ही हमारा डिफरेंशियल में भी एक गियर का एक गियर यूज होता है। ठीक है, ऑयल यूज होता है वो है एसआई, जितने भी हमारा गियर ऑयल है। ठीक है, गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल है वो, ये गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल हमारा इंजन ऑयल से ज्यादा ग्रेड कर देता है। इंजन ऑयल का क्या है 15W40 यूज करते हैं, जबकि इसमें गियर ऑयल और डिफरेंशियल में 75W140 तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, 75W140 तक यूज कर सकते हैं, बहुत टाइप का डिफरेंट आता है, जैसे कि एक आता है गियर ऑयल आता है 75W90 और आता है 80W140 और आता है 85W140 और आता है 80W90। ये डिफरेंट ये आता है गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल। ठीक है, ये जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी बनाते हैं वो एक रिकमेंड करते हैं कि हाँ मान लीजिए वो ग्रे कास्ट आयरन में बना है, कोई बना है टिटानियम एलॉय में बना है, तो वो बताएगा कि नहीं हमारा जो हमारा डिफरेंशियल में 80W140 अगर यूज करेंगे तो हम आपको सर्विस अच्छे से देंगे। कोई बताएगा कि हमारा गाड़ी में अगर 80W90 अगर डालोगे तो हमारा गाड़ी हमारा लाइफ ज्यादा होगा तो हम ज्यादा सर्विस देंगे, तो इस टाइप में वो सब डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा ये सबसे लोएस्ट है 75W और सबसे हाईस्ट है 140। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन आएगा कि हम ग्रीस यूज कर सकते हैं कि नहीं, गियर में ग्रीस भी तो यूज कर सकते हैं तो भी चलेगा, हम बोलेंगे हाँ ग्रीस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ग्रीस बार बार हम खोल डिफरेंशियल को खोल के उसमें ग्रीस नहीं डाल सकते, इसीलिए हमारा ऑयल यूज किया जाता है, क्योंकि एक ऑयल एक टाइम पीरियड रहता है, एक टाइम पीरियड के बाद कोई भी लुब्रिकेशन अगर, हाँ मेरे सवाल, एक टाइम पीरियड के बाद कोई भी लुब्रिकेशन हो वो खराब हो जाता है, गियर चल जाए खराब हो जाता है, तो अगर ग्रीस यूज किया जाए तो उस टाइम पे गाड़ी तो अच्छा चलेगा कुछ देर तक, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद उसमें रस्टी आ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पूरा साफ नहीं कर सकते। लेकिन ऑयल एक ऐसा चीज है जो कि एक बार ऑयल डाले तो उसका एक टाइम पीरियड हो गया तो उसको हम फिर से उसको ड्रेन करके फिर नया ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसीलिए हमारा ऑयल यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है उसमें सेटिंग, सेटिंग और एडजस्टमेंट क्या है होता है। एक हम बताए थे क्राउन व्हील और टेल पिनियन के बीच में बेकलास यूज होता है, बेकलास दो प्रकार का देखते हैं। ठीक है, ये ड्राइंग में पता नहीं चला, दूसरा ड्राइंग में दिखाते हैं। हाँ देखिए, ये देखिए, ये जो टेल पिनियन है और ये क्राउन व्हील है, ये बीच में जो टीथ के टीथ में बीच में जो बेकलास है वो एक बेकलास से करते हैं गाड़ी को बनाते समय, डिफरेंशियल को एडजस्टमेंट करते समय। दूसरा हमारा है
ये जो पिनियन है, ये पिनियन है, दो पिनियन जो चार पिनियन रहता है वो पिनियन के बीच में डेग्लास चेक करते हैं। ज्यादातर क्राउन और टेल में जो देखते हैं वो 18 mm टू 28 mm तक रख सकते हैं। कुछ गाड़ी का मैन्युफैक्चर जैसे कि टाटा कंपनी में बता दिए कि हमारा गाड़ी का 18 का 28 तक, जैसे लेलैंड का बताया कि हमारा 22 से 28 तक रखिए, कोई हमारा वोल्वो बता दिया कि हमारा गाड़ी का 18 से 22 रखिए। इसीलिए जो 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 मैन्युफैक्चर जैसे किया बताते हैं उस टाइप का हमारा बैकलास रखा जाता है, मना लूप में पूरा लिखा रहता है, ठीक है। और एक पिनियन देखिए, ये जो पिनियन है ये पिनियन के बीच में एक बैकलास यूज किया जाता है। ये दो टाइप का बैकलास हमारा डिफरेंशियल में देखा जाता है। और एक चीज किया जाता है वो हाइट एडजस्टमेंट। देखिए जो हमारा क्राउन व्हील है, देखिए ये हमारा क्राउन व्हील है, ये क्राउन व्हील है, ये टेल पिन है। एक होता है हाइट एडजस्टमेंट जो हम बताए थे, ये जो टेल पिन लगाया जाता है इसके पीछे सिम लगाया जाता है, सिम लगाया जाता है। जितना सिम ज्यादा होगा उतना उसका हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा मतलब टेल पिन आगे की तरफ जाएगा। मान लीजिए क्राउन व्हील यहाँ पे, मान लीजिए क्राउन व्हील यहाँ पे, टेल पिन हमारा यहाँ पे, जैसे ही हाइट हमारा बढ़ाते जाएंगे वो धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा, ठीक है, ये पूरा मैच हो जाएगा। लेकिन अगर हाइट ज्यादा बढ़ा दिए तो गियर से आगे हो जाएगा, और अगर हाइट पूरा घटा दिए तो गियर में पूरा मैच नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों टाइम में वो हमारा हाइट भी जो है वो भी हमारा मैनुअल बुक में वो दिया जाता है। वो जो है हमारा जब भी सर्विस सेंटर जाते हैं हमारा डिफरेंशियल वगैरह टूट गया तो उस टाइम में हमारा ये हाइट एडजस्टमेंट देखा जाता है। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, जब भी हमारा क्राउन व्हील और टेल पिनियन ये दोनों में से कोई भी एक चीज ब्रोकन हो रहा है तो याद रखिएगा पूरा क्राउन व्हील और टेल पिनियन ये एक ही सेट का रहता है, पूरा चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल लॉक। डिफरेंशियल लॉक क्या है? डिफरेंशियल लॉक आप सुने होंगे ना, डिफरेंशियल लॉक कहाँ यूज होता है? ऑफ रोड पे, मिट्टी पे, सॉरी कीचड़ पे, या फिर बर्फबारी हो गया उस टाइम पे, और या फिर स्लिपरी रोड पे, ऐसे सब जैसे ऑफ रोड कंडीशन में उस टाइम पे हमारा डिफरेंशियल लॉक लगाया जाता है। मान लीजिए आपका गाड़ी कहीं फंस गया है, ठीक है, मान लीजिए आपका गाड़ी कहीं फंस गया है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक चक्का आपका गड्ढे में हो गया, उस टाइम पे क्या हुआ, क्या होगा, आप डिफरेंशियल लॉक एंगेज करेंगे। डिफरेंशियल लॉक जैसे ही एंगेज करते हैं तो याद रखिएगा ये जो डिफरेंशियल लॉक रहता है ये आखिरी में एक डॉक्लस का नाम बताए थे, वो डॉक्लस टाइप का रहता है, ठीक है। एक ऐसे एक रहता है फिक्स रहता है, इसमें डिफरेंशियल में फिक्स रहता है, और एक रहता है अलग से रहता है जो कि एयर प्रेशर से काम करता है, न्यूमेटिक प्रेशर से, याद रखिएगा न्यूमेटिक प्रेशर से काम करता है, ठीक है। ये हमारा फिक्स है, यहाँ फिक्स है, जैसे ही हमारा डिफरेंशियल लॉक एंगेज किया जाता है, एयर प्रेशर दिया जाता है ऊपर ड्राइवर के सीट में, डैशबोर्ड में दिया जाता है, उसमें स्विच ऑन करते हैं जैसे ही हमारा डिफरेंशियल लॉक, वो डिफरेंशियल लॉक में क्या होता है कि दूसरा जो गियर आता है वो मैच हो जाता है, वो डॉग टीथ टाइप का रहता है, ठीक है, जिसमें कि वो स्लिप होने का चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है। तो जैसे ही एंगेज हो गया तो ये क्या हुआ, ये पूरा एक रिजिड एक्सल बन जाएगा, जैसे कि अपना बुल कार्ड, मतलब क्या कहते हैं उसको, बैलगाड़ी के चक्कर की तरह एक सिंपल हो जाता है, ये पूरा एक यूनिट हो जाता है। तो एक यूनिट हो जाने से क्या है, मान लीजिए ये हमारा चक्का जो है वो गड्ढे में फंस गया है, तो ये क्या करेगा, ये चक्कर को पूरा पावर आएगा, जैसे ही ये चक्कर को पूरा पावर आएगा वो क्या है, ये रिजिड एक्सल हो गया, सिंगल एक्सल हो गया, तो इसको भी घसीट के बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो ये क्या है, बाहर निकल सकता है, ठीक है। उस टाइम में हमारा डिफरेंशियल लॉक यूज किया जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल लॉक यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद और क्या बताना रहेगा, गियर रेशियो हो गया, मटेरियल हो गया, उसके बाद उसका हिस्ट्री हो गया,
डिफरेंशियल लॉक हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, बस इतना है हमारा डिफरेंशियल के, डिफरेंशियल के बारे में इतना है। और कुछ डिफरेंशियल के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, और एक चीज बता दे कि हमारा क्लास कुछ दिन तक बंद रहेगा, क्योंकि हमें ड्यूटी पड़ा है, बाहर ड्यूटी जाना है हमें, ड्यूटी हमारा आउट ऑफ स्टेशन कर दी है, जबलपुर में हम रहते हैं, जबलपुर से हमारा ड्यूटी कहीं और लगा दिया गया है, कुछ दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए कुछ दिन के लिए क्लास बंद रहेगा। लेकिन कुछ भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर में जुड़ जाइए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसमें जुड़ जाइएगा। और हाँ, जिस जिसका व्हाट्सएप नंबर दिए थे उस दिन हम नहीं जोड़ पाते, आज हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसके साथ अपना और अपने परिवार जनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। हाँ, और एक चीज है, आपका एग्जाम कैसा रहा? बड़ो रोड ऑर्गेनाइजेशन कुछ एग्जाम देने गए थे, उनका एग्जाम कैसे गया है वो थोड़ा बता दे। अमरेश पाल जी 9889925 09। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्लास हमारा समाप्त करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।